दोस्तों छोले भटूरे या फिर छोले कुलचे सभी के फेवरेट होते हैं, पर आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटर वाले छोले के साथ एकदम नया फ्लेवर। कच्चे चावल और साबूदाने का बहुत ही सॉफ्ट गीला पैनकेक, बहुत हल्का होता है ये, और जिन्हें तला भुना या फिर मैदे का खाना पसंद नहीं उन्हें तो ये बहुत ही पसंद आएगा। और इस छोले के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है, बिना तेल के ही बन जाता है। तो एक बार इसे अपने ब्रेकफास्ट में ट्राई ज़रूर करें, मेरी गारंटी है कि आप इसे हमेशा के लिए अपने ब्रेकफास्ट की लिस्ट में शामिल कर लेंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये मटर, सफ़ेद मटर है ये, जिनको मैंने 5-6 घंटे के लिए भिगो दिया था, और अभी मैंने इसको अच्छे से धुल के साफ़ कर लिया है। अब मैंने इसको एक कुकर में डाल दिया है, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे इसके साथ मैंने 3 कप पानी भी डाल दिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, जिसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। एक बार इसको चला लेंगे, और मीठा सोडा डालने से मटर थोड़ा जल्दी से गल जाता है। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको 2 सीटी आने तक पकाया है, और मटर को हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लिया है, आप कोई भी तेल, खाने वाला तेल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ साबुत जीरा डाल दिया है, 1 तेज़पत्ता डाल दिया है इसमें, और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें हींग डाला है। और एक बार जीरा चटक जाए तो हम इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज डालेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज है ये, और इस प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। तो इसको एक बार जब थोड़ा भून जाए तो हम इसमें 1 चम्मच अदरक और ये लहसुन का पेस्ट है मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको भी हम प्याज के साथ ही अच्छे से भून लेंगे। तो एक बार जब प्याज भून जाए तो हम इसमें थोड़े मसाले डालेंगे, बहुत हल्के मसाले हमने इसमें डाले हैं। 1 चम्मच मैंने डाले हैं ये धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाला है, 1/4 मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला था, और नमक डाला है स्वादानुसार, साथ ही मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाला है 1/2 चम्मच। एक बार इन मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे, 1 मिनट तक चलाते हुए इसको भून लेंगे। गरम मसाले भी मैंने अभी ही डाल दिया है ताकि इसका, हमारे छोले का अच्छा सा फ्लेवर आए। और एक बार इसको हम चला लेंगे 1 मिनट के लिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटरों को मैंने यहाँ बारीक काट लिया था, और एक बार इसको चला लेंगे। और 1 या 2 हरी मिर्च आप डाल सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से, हरी मिर्च तीखा जैसा आपको पसंद हो। एक बार मैंने इसको चला लिया है, और इसको ढक के हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो 3-4 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से गल गए हैं, मसाले भी अच्छे से पक गए हैं। और एक बार इसको चला लिया है मैंने अच्छे से, अब हमने जो अपने छोले उबाल के रखे थे वो इसमें डाल दिए हैं, और एक बार इसको चला लेंगे। और ये छोले बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। थोड़ा सा अगर आप ग्रेवी चाहते हैं तो इसमें आप पानी मिला सकते हैं। तो एक बार इसको चला के 5 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। तो 5 मिनट में हमारे ये छोले रेडी हो जाते हैं, और एकदम फटाफट से बहुत ही टेस्टी छोले बन जाते हैं। तो अगर आप इसमें तड़का नहीं लगाना चाहते हैं तो सादे छोले भी बनते हैं, जो हम कुलचे के साथ अक्सर खाते हैं, वैसे छोले भी इस चीले के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। तो यह चीला पैनकेक बनाने के लिए मैंने 1 कप चावल लिया है, और ये जो खिचड़ी या खीर में हम चावल इस्तेमाल करते हैं वही चावल मैंने ये लिए हैं, और 1/2 कप मैंने साबूदाना लिया है। साबूदाना भी वही है जो हम अक्सर व्रत में खाते हैं, साबूदाने की जो खिचड़ी हम बनाते हैं या फिर खीर बनाते हैं वही। तो इसको मैंने 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था अच्छे से धुल के, और मैंने, आप देख सकते हैं 3-4 घंटे में काफ़ी अच्छे से फूल जाता है ये, और अगर आप चाहें तो पूरे रात के लिए भी आप इसको भिगो के छोड़ सकते हैं। तो एक बार मैंने इसका पानी निकाल लिया है, अब हम एक मिक्सी के जार में इसको डाल के, और इसमें मैंने 1/2 कप दही लिया है, 1 हरी मिर्च लिया है, और थोड़ा सा अदरक लिया है, एकदम बारीक हम इसको पीस लेंगे। तो इसको पीसते समय ध्यान देना है दोस्तों कि एकदम बारीक होना चाहिए, चावल या साबूदाने के कोई बड़े टुकड़े इसमें नहीं होने चाहिए। तो ये 2 बार में मैंने पीसे थे क्योंकि मेरे थोड़े साबूदाने और जो चावल थे मात्रा में ज़्यादा थे, मेरा मिक्सी छोटा पड़ रहा था। इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच नमक डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, और इसको पीसते समय मैंने पानी नहीं डाला था। तो अभी मिक्स करने के बाद देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत होगी तो थोड़ा इसमें हम पानी डाल लेंगे।
तो अभी मैंने इसमें पानी तो नहीं डाला है, एक बार इसको ढक के 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 20 मिनट आप बाद देख सकते हैं, एक बार इसको चला लेंगे तो ये बैटर हमारा थोड़ा गाढ़ा है, तो इसमें हम 3-4 चम्मच पानी मिलाएंगे। तो बहुत ज़्यादा पतला भी इसे हमें नहीं करना है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। पानी डाल के मैंने एक बार इसको और अच्छे से मिला लिया है, तो बिल्कुल ऐसा ही हमें इसका घोल तैयार करना है। और इससे हमारे जो चीला पैनकेक बनेंगे वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी चम्मच ही इसमें इनो डाला है, और इनो डाल के भी एक बार इसको अच्छे से मिला लें। और एक बार मिलाने के बाद हमारा पैनकेक के लिए हमारा बैटर तैयार है। तो चलते हैं, अब हम बनाते हैं इससे एकदम सॉफ्ट स्पंजी अपना पैनकेक। तो मैंने यहाँ पे एक पैन में इसको एक कलछी डाल दिया है। तो पैन को मैंने मीडियम फ्लेम में ही गर्म किया था, और अभी गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। और इसको आप ऐसे तवे को घुमा के ही इसको अच्छा सा शेप दे सकते हैं, और आराम से ये अपना आकार ले लेता है। और इसको कलछी से इसको चलाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा मोटा ही रखना होता है हमें इसे। और इसको ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए। तो 2-3 मिनट में क्या होता है कि अच्छे से पक जाता है। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट बाद मैंने इसको ढक्कन को हटा दिया है इसके, और ये पीछे की तरफ से काफ़ी अच्छे से सिक गया है। और इसको बनाने में हमें घी या तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, और ये बिल्कुल भी तवे पे चिपकता नहीं है। तो अगर आप चाहें तो इसको पलट के भी बना सकते हैं, या फिर एक तरफ से सेक के भी बना सकते हैं। तो मैंने हल्का सा इसको दूसरे तरफ से भी सेक दिया है, और एकदम सॉफ्ट बनता है। और ये चीला पैनकेक तो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो आप इसको बनाते समय हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है। तो हमारा चीला पैनकेक ऐसे ही सारे हमने बना लिए हैं, और छोले भी हमारे रेडी हैं। तो अब हम गर्मा गर्म इसे परोसेंगे, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। छोले कुलचे से अलग फ्लेवर आता है, और छोले कुलचे से ज़्यादा हेल्दी भी होता है। आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट बना है। और इसको आप अगर छोले के साथ नहीं खाना चाहते हैं तो टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये पैनकेक बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने इसको छोले के साथ और हरी चटनी के साथ परोसा है। मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है ये। और इसको देख के तो आपके मुँह में पानी ज़रूर आया होगा। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी बाकी की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।